नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। बिहार का एक लड़का जो पटना के साइंस कॉलेज में पढ़ते समय गणित के टीचर्स की गलती पर उन्हें टोक देता था। 1969 में जब वो अमेरिका पहुंचा तो गरीबी भी उसे पीएचडी करने से नहीं रोक पाई। जब वो नासा में काम करता था तो कंप्यूटर बंद होने पर भी नासा के काम नहीं रुकते थे। भारत लौटने पर उसे ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसमें इंसान को वो आवाजें सुनाई देती हैं जो असल में होती ही नहीं हैं। ये वही शख्स था जिसने आइंस्टीन की थियोरी को चैलेंज किया था। हम बात कर रहे हैं बिहार के गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की, जिन्होंने 14 नवंबर 2019 को इस दुनिया से विदा ले ली। वशिष्ठ जी का जन्म 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर में हुआ था। हालांकि तब बिहार का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है, तब झारखंड वगैरह भी उसी में आता था। वशिष्ठ जी की शुरुआती पढ़ाई हुई नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल में, जो बिहार बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स के लिए फेमस था। अभी ये झारखंड में आता है। देश की आज़ादी के साथ साथ वशिष्ठ जी भी अपना भाग्य बनाने के लिए आज़ाद हो चुके थे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए पटना के साइंस कॉलेज पहुंचे। अब तक एजेंडा क्लियर हो चुका था कि गणित में मन लगता है और गणित की पढ़ाई ही करेंगे। गणित में कितना मन लगता था इसे यूं समझिए कि पटना कॉलेज में जब गणित के टीचर पढ़ा रहे होते थे तो उनकी गलती पर वशिष्ठ जी उन्हें टोक देते थे। जाहिर है कि हर टीचर को ये बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन किसी टीचर ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि ये लड़का हमें बार बार टोकता है। प्रिंसिपल ने सोचा कि अगर इतना ही होनहार लड़का है तो इसका अलग से एग्जाम कराना चाहिए। एग्जाम हुआ और वशिष्ठ जी ने प्रिंसिपल को निराश नहीं किया। पटना में पढ़ाई के दौरान ही उन पर निगाह पड़ी अमेरिका के दिग्गज मैथमेटिशियन प्रोफेसर जॉन कैली की। प्रोफेसर कैली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उन दिनों आईआईटी कानपुर में पढ़ाने के सिलसिले में भारत में थे। प्रोफेसर कैली ने वशिष्ठ जी का टैलेंट पहचाना, उनकी मेंटरिंग की और 1965 में वशिष्ठ जी अमेरिका चले गए। साल 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट की और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। पीएचडी के दौरान प्रोफेसर कैली ही वशिष्ठ जी के डॉक्टोरल एडवाइजर थे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का सफर नासा तक पहुंचा। ये वही वक्त था जब नासा में अपोलो 14 और अपोलो 15 पर जोर शोर से काम हो रहा था। ये दोनों स्पेस मिशन 1971 में लॉन्च किए गए थे। नासा में काम करने के दौरान जब वशिष्ठ जी वहां काम कर रहे थे, उस समय का एक किस्सा बेहद मशहूर है। अपोलो प्रोजेक्ट के वक्त एक मरतबा जब नासा के 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए तो वशिष्ठ जी मैनुअली गणनाएं करते रहे। जब कंप्यूटर ठीक हुए तो पता चला कि उनकी और कंप्यूटर्स की कैलकुलेशन एक जैसी थी। 1974 तक अमेरिका में रहने के बाद वशिष्ठ जी भारत लौट आए। भारत में उन्होंने आईआईटी कानपुर, मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कोलकाता के भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया। भारत लौटने पर घर वालों ने उनकी शादी करा दी। शादी हुई वंदना रानी सिंह से। ये वही वक्त था जब स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी वशिष्ठ जी पर भयानक असर डालने लगी। 1974 में उन्हें पहला दौरा पड़ा था। 1976 में उन्हें रांची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनका लंबे वक्त तक इलाज चला था। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल कंडीशन है जिसमें पीड़ित का बर्ताव बदल जाता है। वो अजीबोगरीब चीज़ें बड़बड़ाने लगता है और असलियत समझने में परेशानी होने लगती है। कई बार लोगों को ऐसी आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं जो असल में होती ही नहीं है। जाहिर है ऐसे में सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है और सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। वशिष्ठ जी की इस कंडीशन से परेशान उनकी पत्नी उनका साथ नहीं दे पाई। वंदना रानी ने कुछ वक्त बाद तलाक ले लिया। वशिष्ठ जी 5 भाई बहन थे। उनकी भाभी प्रभावती बताती हैं कि कैसे वो छोटी छोटी बातों पर पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। पेंसिल लिए वो कई बार किसी भी दीवार पर कुछ भी लिखने लग जाते थे। आर्मी में रहे उनके भाई अयोध्या सिंह बताते हैं कि बच्चों की तरह ही उन्हें हर तीसरे चौथे दिन नई कॉपी पेंसिल लाकर देनी पड़ती थी। और इस दौरान सरकार प्रशासन ने वशिष्ठ जी की कोई खास मदद नहीं की। बेंगलुरु में उनका कुछ दिन इलाज चला था। इस दौरान उनके भाई अयोध्या सिंह उनके साथ रहना चाहते थे, बेंगलुरु ट्रांसफर करवाना चाहते थे और इसे लेकर उन्हें रक्षा मंत्रालय तक से बात करनी पड़ी थी। फिर कुछ दिन बाद इलाज बंद हो गया।
अपने आखिर वक्त में वो पटना के कुल्हरिया इलाके में परिवार के साथ रहते थे। नेता मंत्री उन्हें देखने हालचाल लेने आते थे अस्पतालों में, लेकिन इतना किसी ने नहीं किया कि वशिष्ठ जी का कुछ भला हो सकता। फिल्म मेकर प्रकाश झा ने तो एक बार उन पर फिल्म बनाने का भी मन बनाया था, कहा भी था, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। वशिष्ठ जी भारत के स्टीफन हॉकिंग कहे जाते थे। उन्होंने आइंस्टीन, जिन्हें दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों की लिस्ट में रखा जाता है, उनके सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी, लेकिन भारत में उनके दावे को इतनी तवज्जो नहीं दी गई कि इसे दुनिया के सामने रखा जा सकता। उनका परिवार डरता है कि कैसे उनकी किताबों के बक्से, दीवारों पर लिखी उनकी बातें और उनकी लिखी कॉपियां रद्दी में तब्दील हो जाएंगी। वशिष्ठ जी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1989 में वो अपने गांव से अचानक लापता हो गए थे और 1993 में बेहद दयनीय हालत में सारण के डोरीगंज में मिले थे। 14 नवंबर 2019 को 77 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। तबीयत बिगड़ने पर घरवाले उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वशिष्ठ जी के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक तो जताया, लेकिन वशिष्ठ जी बिहार के लिए, बिहार प्रशासन, बिहार सरकार के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते थे ये इस बात से समझिए कि उनकी डेड बॉडी को 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतज़ार करना पड़ा। 2 घंटे तक उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल के बाहर रखी रही थी। वशिष्ठ जी के आखिरी वक्त में उनकी भाभी प्रभावती कहती थीं, हिंदुस्तान में मंत्री का कुत्ता भी बीमार पड़ जाए तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है। ये खुद पागल नहीं बने, समाज ने इन्हें पागल बना दिया था। ये कहानी वशिष्ठ जी की। नवभारत टाइम्स पर आपको ऐसे ही और तमाम लोगों की कहानियाँ मिलती रहेंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फेसबुक पर यह वीडियो देखा हो तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देखा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।